इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकाइनोडर्म्स के डिफरेंट एनिमल्स की कैपेसिटी रीजनरेशन को डिस्कस करेंगे जितने भी हम इनवर्टिब्रेट के फाइलम देखें इसमें सबसे ज्यादा जो एबिलिटी है रीजनरेशन की दैट इज इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। रीजनरेशन क्या है वंस इट्स बॉडी पार्ट आर लॉस्ट द लॉस्ट बॉडी पार्ट एज वेल एज द एनिमल दैट हैज लॉस्ट दैट स्ट्रक्चर दोनों ही रीजनरेट हो जाए और ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है जो कि फाइलम काइनोडरमेटा में हमें मिलती है अब सी स्टार्स जो हैं इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स पावर्स ऑफ रीजनरेशन, दे कैन रीजनरेट एनी डैमेज बॉडी पार्ट एनी इंजर्ड बॉडी पार्ट और आ ब्रोकन आर्म। कुछ स्पीशीज के अंदर एंटायर सी स्टार्स जो हैं दैट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम द ब्रोकन आर्म

रीजनरेशन के साथ एक और फिनोमेना जो इन्वॉल्व है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सेंट्रल डिस्क फॉलोड बाय रीजनरेशन ऑफ दैट हाफ कि अगर एक एनिमल है सी स्टार है इसकी सेंट्रल डिस्क एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो वो जो हर हिस्सा होगा उससे एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा सी स्टार्स जो है इसके अंदर ये भी एबिलिटी है कि जो एम्पूटेटेड लिम्स हैं उनको भी ये रिजनरेट कर लेंगे लेकिन उसके लिए फर्स्ट दे विल अंडर गो आ रिपेयर फेज टू हील द एक्सपोज वंस दैट वोंड इज़ हील्ड सी स्टार्स जो है दिस कैन बिगन टू जनरेट न्यू सेल्स विच इन टर्न स्पार्क्स आर न्यू ग्रोथ ग्रोथ के अंदर जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है उसको हम कहते हैं सेल्स प्रोलीफ्रेशन अब सेल्स प्रोलीफ्रेशन के रिजल्ट में न्यू लिम्स बनेंगे और न्यू लिम्स जो है अल्टीमेटली दे विल रीच इन टू देयर फाइनल स्टेज एंड विल हैव अ कंप्लीट दैट स्ट्रक्चर दैट वर प्रीवियसली प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द एनिमल अगर हम ऐसा भी हो सकता है कि अगर सारी स्टेजेस इनिशियली कंप्लीट हो गई हैं लेकिन इसकी फाइनल स्टेज को हम इंटरप्ट कर देंगे तो जो न्यू लिम्स होगा दैट विल बी डी वो प्रॉपरली उस शेप में नहीं आएगा जो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद था यहां पे आप देखें इसी प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे सी स्टार के अंदर ये सी स्टार की सेंट्रल डिस्क है इसके अंदर इसका माउथ है मेड्रिपोराइट है एंड दीज आर इट्स फाइव आर्म्स हर आर्म्स के अंदर मुख्तफ किस्म की कैनाल्स हैं और इसके टिप्स के ऊपर ट्यूब फिट प्रेजेंट होंगे अब दिस इज अ कम्प्लीट बॉडी ऑफ दी स्टार वट इफ इट्स आर्म्स इज ब्रोकन डाउन तो वट विल हैपन नाउ दिस विल बी नेम्ब एज द ब्रोकन स्टार फिश इट इज हैविंग टू पार्ट्स वन पार्ट इज विदाउट आर्म एंड अदर पार्ट इज विद आर्म नाउ यू कैन सी दैट फ्रॉम बोथ दिज आर्म्स Complete individuals are formed. Here, this uh, starfish has regenerated this arm, and this broken arm is developed into the complete structure, even though it is smaller, but ultimately, this will develop into a complete individual. So, through this regeneration, from one individual, two complete individuals are formed. This phenomena is uh, very helpful in making the animals of phylum echinodermata successful creature on this universe